आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका। गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमराह घर पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमराह घर पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर बात करेंगे उनसे। जी वकास, बताइएगा। जी, पुलिस के मुताबिक गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ पर साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की रहायश का है, उसके बाहर ये धमाका हुआ है। और पुलिस की बताई तहकीकात के मुताबिक सस्ती बम जो है वो ये धमाका है। तो हम अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि जब ये धमाका हुआ था क्या साकिब निसार जो है वो घर में मौजूद थे कि नहीं। इस अफसोसनाक वाक्य में दो पुलिस एहलकार जो घर के बाहर चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी पर मामूर थे वो जख्मी हुए हैं। पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो तहकीकती इदारों की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं। जैसे तो कह रहे हैं कि जख्मियों को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और इलाके को भी घेरे में ले लिया गया है और तहकीकात का आगाज भी किया जा रहा है। जी ठीक है वकास, हमें ये बताएं ये धमाका किस टाइम हुआ और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक। जी वकास अहमद से हमारा राबता मुनकते हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमराह घर पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। और धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमरा घर पर मौजूद थे, जराय की जानिब से ये बताया गया है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट चुके हैं। और धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमरा घर पर मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं। और धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमराह घर पर मौजूद थे, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ये धमाका आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है, जबकि गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। और धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमराह घर पर मौजूद थे, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताते चलें, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाके के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गैराज में धमाके से घर की खिड़कियों के शीशे टूट चुके हैं, जबकि धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमरा घर पर मौजूद थे, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के घर के गैराज में ये धमाका हुआ है और धमाके के बायस घर की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। और धमाके के वक्त मियां साकिब निसार अपनी फैमिली के हमरा घर पर मौजूद थे।